हेलो एवरीवन अ वेरी वॉम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा गाइस हरियाणा सिविल सर्विसेज का 2021 वाला पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका अब दोबारा उन्नीस दस जुलाई को है ना बट पेपर तो इम्पॉर्टेंट है ही है और ऑलरेडी छः पार्ट डिस्कस कर चुके हैं दिस विल बी द सेवेंथ पार्ट एंड मीन वी आर डिस्कसिंग दीज लेक्चर्स तो हिमाचल की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है ठीक है तो हरियाणा वाले भी काफ़ी बच्चे हिमाचल का पेपर देते ही हैं और हिमाचल वाले भी जो है जो हरियाणा का नहीं भी देते उनके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जो हैं देखो स्टेट के क्वेश्चन छोड़ करके जो हरियाणा या हिमाचल स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल उनको छोड़ करके बाकी के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो हिमाचल हो चाहे वो पंजाब हो चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो यूपी पी हो ठीक है तो शुरू करते हैं पार्ट सेवन एक्सप्लेनेशन के साथ पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा पहला क्वेश्चन एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है और अपने को करेक्ट इन करेक्ट मैंने आपको पहले भी बताया क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले देखना है जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है या एबीसीडी वाला भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले देखना है कि करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है तो मैं ढूंढने चला और मुझे मिल गया मेरा कीवर्ड करेक्ट तो मेरे को करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ठीक है चलो मैं एक एक करके स्टेटमेंट देखता हूँ द एंटी डिफ डिफेक्शन लो लॉ वॉज एनेक्टेड ड्यूरिंग इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इन नाइनटीन एटी फोर अच्छा जी इंदिरा गांधी की सरकार ने उन्नीस सौ चौरासी में ठीक है दूसरा कहता है कि इट इज प्लेसड अंडर टेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैं आपको ऑलरेडी वन ऑफ द वीडियोज के अंदर बारह के बारह शेड्यूल करा चुका हूँ है ना एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज फर्दी अमेंडमेंट अच्छा जी की स्ट्रेंथ uh, हुई थी और इम्प्रूव किया गया नाइनटी थर्ड अमेंडमेंट से दो हजार तीन में चौथा लॉ मैंडेट द चेयरमैन और द स्पीकर ऑफ द रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव हाउस टू डिसाइड ठीक है जी चेयरमैन या स्पीकर के पास पावर है डिस्कॉलिफिकेशन को डिसाइड करने का चार स्टेटमेंट आ गई अब देखो कीवर्ड देखने होते हैं हर स्टेटमेंट के अंदर तो सबसे पहला स्टेटमेंट तो बोल रहा है कि किसके टाइम पर आया देखो जी 1984 में नहीं आया ये 1985 में आया और इंदिरा गांधी जी की डेथ हो चुकी थी तब तक तो, तो स्टेटमेंट नंबर वन हो ही नहीं सकता ईयर भी गलत है और सरकार का नाम भी गलत है तो वन तो गलत हो गया मेरे से पूछा है करेक्ट करेक्ट पूछा है तो ए नहीं हो सकता सी नहीं हो सकता ठीक है क्योंकि दोनों के अंदर वन है सेकेंड स्टेटमेंट टेंथ शेड्यूल अगर अब आपको वो शेड्यूल वाला लेक्चर याद है जिसमें हमने सारे शेड्यूल्स रिवाइज किए थे तो जो एंटी डिफेक्शन है वो टेंथ शेड्यूल के अंदर ही आता है तो सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ठीक है सेकेंड सही है तो अभी मैं डिसाइड नहीं कर सकता बी और डी में से अब मुझे ये देखना पड़ेगा थ्री और फोर अल्टीमेटली दो तो दोनों में है थ्री और फोर में से एक सही है एक गलत है और उसके बेसिस पे ही मेरा आंसर आएगा अब एंटी डिफेक्शन लॉ आया था फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में और इसके अंदर फर्दर चेंजेस लेकर के आए गए थे अमेंडमेंट अमेंडमेंट से 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 नहीं आए थे 2003 तो बिल्कुल सही है लेकिन नाइन्टी फर्स्ट अमेंडमेंट थी ना कि थर्ड अमेंडमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है जितनी भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो आपको आती होनी चाहिए वो यूपीएससी के अंदर भी आजकल पूछता है स्टेट के एग्जाम्स के अंदर भी आजकल पूछ रहा है अमेंडमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है थर्ड गलत हो गया तो बी भी गया ऑटोमेटिकली मेरा आंसर डी हो जाएगा ठीक है क्योंकि फोर्थ स्टेटमेंट सही भी है चेयरमैन और स्पीकर के पास पावर होती है कि वो फाइनली डिसक्शन के ऊपर डिसीजन जो है है वो ले ठीक जी तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी सो एंटी डिफेक्शन फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट के साथ आया था 1985 के अंदर डिसक्वालीफिकेशन के लिए एम पी या स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होते हैं बेसिकली अगर वो डिफेक्ट करते हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी की टिकट से वो इलेक्ट होकर के आए हैं अगर वो उस इलेक्ट होने के बाद उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ करके किसी दूसरी पॉलिटिकल पावर को ज्वाइन कर लेते हैं अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस की वजह से तो उस केस में क्या होता है उनको एंटी डिफेक्शन के ऊपर उनकी जो मेंबरशिप है उससे डिस्कालीफाई किया जा सकता है ठीक है अब जब ये फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट आया था इससे कॉन्स्टिट्यूशन के चार आर्टिकल्स के अंदर चेंजेस लाए गए थे और एक नया शेड्यूल एड किया गया था जो है आपका टेंथ शेड्यूल नाइन्टी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आया गया था 2003 के अंदर जिससे फर्दर जो है टेंथ शेड्यूल के प्रोविजन के अंदर काफी सारे चेंजेस लेकर के आए गए थे ठीक है जी उसके अलावा नाइनटी फर्स्ट अमेंडमेंट ने एक uh, पहले क्या होता था जैसे कोई एक पार्टी है फॉर एग्जाम्पल ए पार्टी है अब ये ए पार्टी स्प्लिट हो गई ये पार्टी बट गई एक पार्टी बन गई ए वन और दूसरी पार्टी बन गई ए टू उस टाइम पर क्या होता था अब जब स्प्लिट हो गया ना तो ए वन और ए टू इसके अंदर जो मेंबर्स हैं अगर ये डिफेक्ट करके फॉर एग्जाम्पल किसी दूसरी पार्टी में चले जाएं फॉर एग्जाम्पल सी में चले जाएं तो इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा ठीक है लेकिन अब नाइनटी फर्स्ट अमेंडमेंट ने क्या किया इसको खत्म कर दिया नाइनटी फर्स्ट अमेंडमेंट कहता है कि अब स्प्लिट होकर के ए वन ए टू में से वो चूज कर लिया उन्होंने कि किस पार्ट का किस ग्रुप का वो पार्ट बने हैं इसके बाद भी अगर ये ए वन ए टू के अलावा किसी तीसरी पार्टी के अंदर जाते हैं सी के अंदर किसी दूसरी पार्टी के अंदर जाते हैं तो अल्टीमेटली उनके ऊपर भी एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो लगेगा ये नाइनटी फर्स्ट अमेंडमेंट में लेकर के आया गया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर ठीक है तो क्वेश्चन uh, क्या है सबसे पहला स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन जो है ये फाइव मेंबर बॉडी है अच्छा जी दूसरी चीज क्या है इलेक्शन कमीशन जो है वो डिसाइड करता है इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन स्टेटमेंट थ्री कहता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो डिस्प्यूट रिजॉल्व करेगा स्प्लिट और मर्जर से रिलेटेड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज ठीक है जी इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रोवाइड करता है इलेक्शन सिंबल्स फॉर न्यूली रजिस्टर्ड पार्टीज अब अपने को इसमें क्या बताना है अपने को नॉट करेक्ट बताना है कौन सा सही नहीं है देखो पहला स्टेटमेंट अपना सही नहीं है ठीक है क्योंकि फाइव मेंबर बॉडी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि देयर शुड बी इलेक्शन कमिश्नर और उसके अलावा जितने भी नंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट को लगता है जितने भी वो उतने डिजायरेबल इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर सकते हैं ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन तो सिर्फ एक की बात करता है फर्दर प्रेजिडेंट के ऊपर छोड़ता है तो फाइव मेंबर बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन तो बोल नहीं रहा है और प्रेजेंटली भी अपने पास तीन ही इलेक्शन कमिश्नर है पांच तो है ही नहीं तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है अब अपने से यही पूछा है कि कौन से कौन से स्टेटमेंट इनमें से गलत है तो पहला गलत है तो अपने आंसर के लिए सही है ठीक है तो अब देखते हैं कि कोई ऑप्शन एलिमिनेट होता है क्या बी तो हो नहीं सकता क्योंकि बी के अंदर वन है नहीं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है वो डिसाइड करता है इलेक्शन शेड्यूल जनरल इलेक्शन और बाई इलेक्शन बाई इलेक्शन बेसिकली तब होते हैं जब कोई फॉर एग्जाम्पल मेंबर रिटायर हो गया या डेथ हो गई या रिजाइन कर दिया तो वो सीट खाली हो गई तो बाई इलेक्शन कराना पड़ता है ना उस सीट का तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन शेड्यूल सेट करता है चाहे वो जनरल इलेक्शन हो चाहे वो बाई इलेक्शन हो तो ये स्टेटमेंट सही है लेकिन अब अपने से क्या पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है तो अपने आंसर के अंदर तो ये वाला नहीं आ सकता तो डेफिनेटली अगर टू किसी ऑप्शन के अंदर है तो वो अपना आंसर नहीं हो सकता तो डी भी अपना एलिमिनेट हो गया क्योंकि टू इसके अंदर है ठीक है जी उसके बाद अब देखो ए और सी बचा तो वन तो अपने पास है ही है अब अपने को बस ये देखना है कि थ्री करेक्ट है या इनकरेक्ट है फोर्थ ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया क्योंकि अपने से इनकरेक्ट पूछा ना और ए और सी में दोनों में फोर नहीं है तो फोर भी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया तो अपना आंसर नहीं है अब अपने को बस ये देखना है कि तीन तो इलेक्शन कमीशन डिस्प्यूट रिजोल्व करेगा रिलेटिंग टू स्प्लिट मर्जर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी ठीक है ये आ, जो स्टेटमेंट है बेटा दिस इज नॉट करेक्ट ठीक है दिस इज नॉट करेक्ट ठीक है जी इलेक्शन कमीशन उसके अंदर नहीं आता डिस्प्यूट जो स्प्लिट और मर्जर से रिलेटेड है इलेक्शन कमीशन कौन से डिस्प्यूट देखता है इलेक्शन कमीशन देखता है डिस्प्यूट रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टी अगर किसी पार्टी की रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है या अगर पार्टी के सिंबल से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो इन दो डिस्प्यूट्स को इलेक्शन कमीशन देखता है स्प्लिट और मर्जर से रिलेटेड डिस्प्यूट इलेक्शन कमीशन उसको नहीं देखता तो आंसर यहां पर क्या हो गया आपका ऑप्शन वन एंड थ्री ये दोनों इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं ठीक है अब देखो यहां पर मैंने बी आंसर मार्क किया हुआ है क्योंकि जब मैं क्वेश्चन बना रहा था ना मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है जब मैं क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आ रहा था और मैं आंसर मार्क कर रहा था तो शायद मैंने भी ये नॉट करेक्ट इग्नोर करके बी आंसर लगा दिया कि सेकंड और फर्ड फोर्थ स्टेटमेंट क्योंकि करेक्ट है ना लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा आंसर इसका ए होगा क्योंकि अपने से नॉट करेक्ट पूछा है ठीक है चलो अब इलेक्शन कमीशन का कॉम्पोजिशन देख लेते हैं आर्टिकल 324 के अंदर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन बारे में लिखा गया है तो इसमें लिखा है कि इलेक्शन कमीशन जो है इसके अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए और बाकी के इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं जितना भी नंबर प्रेजिडेंट टाइम टू टाइम फिक्स करे अपॉइंटमेंट जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स की कौन करेगा प्रेजिडेंट करेगा ठीक है अगर कोई और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है अब जैसे आपके तीन इलेक्शन कमिश्नर हो गए ना एक हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो और इलेक्शन कमिश्नर हो गए ठीक है तो इस केस में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो क्या होगा वो एज अ चेयरमैन एक्ट करेगा ठीक है जी उसके अलावा प्रेसिडेंट जो है इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करके रीजनल कमिश्नर्स को भी अपॉइंट कर सकता है ताकि वो इलेक्शन कमीशन को असिस्ट कर सके जो भी सर्विस है टेन्योर ऑफ ऑफिस है इलेक्शन कमिश्नर्स का या रीजनल कमिश्नर्स का वो प्रेसिडेंट डिटरमिन करता है तो ये एक क्रिटिसिज्म है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सिक्योरिटी या सेफ्टी ऑफ टेन्योर जो है इलेक्शन कमिश्नर्स को नहीं देता है फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले तो टेरिटोरियल एरिया इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के कौन डिटरमाइन करेगा इलेक्शन कमीशन करेगा किसके बेसिस पे डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के बेसिस पे इलेक्टोरल रोल्स को रेगुलरली प्रिपेयर और रिवाइज करने का काम इलेक्शन कमीशन का है डेट एंड शेड्यूल ऑफ इलेक्शन और जो नॉमिनेशन पेपर है आ, बेसिकली आ, जो कैंडिडेट हैं उनके नॉमिनेशन पेपर को स्क्रूटिनाइज करेगा पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निशन और उनको सिंबल्स अलॉट करने का काम ये कोर्ट फॉर्म में भी एक्ट करेगा डिस्प्यूट अगर कोई हो जाता है रिलेटेड टू रिकॉग्निशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी और अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल जो मैंने अभी आपको पीछे भी बताया उसके अलावा ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है अगर कोई भी इलेक्टोरल अरेंजमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट है उसको इंक्वायर करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट को डिटरमाइन करता है जो पार्टीज को ऑब्जर्व करना है और कैंडिडेट्स को ऑब्जर्व करना है इलेक्शन के टाइम पर रोस्टर प्रिपेयर करता है बेसिकली एक शेड्यूल प्रिपेयर करता है ताकि पॉलिटिकल पार्टीज को एक इक्वल टाइम मिले रेडियो और टीवी वगैरह पे अपना प्रचार करने के लिए प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है अगर किसी आ, आ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई मैटर है कि भाई उसका इलेक्शन के अंदर कोई धांधलेबाजी हुई थी या कोई प्रॉब्लम क्रिएट की गई थी तो वहां पर प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड गवर्नर को एडवाइस कर सकता है किसी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड उसके अलावा अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि uh, जो पोल बूथ है वहां पर कोई किसी तरह का रिगिंग हुई है कोई धोखेबाजी हुई है बूथ कैप्चरिंग हुई है वॉयेंस हुई है तो वो उस पर्टिकुलर पोल हाउस के पोल्स को कैंसिल कर सकता है प्रेजिडेंट या गवर्नर से स्टाफ की रिक्वेस्ट कर सकता है जहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं जो इलेक्शन मशीनरी है जो पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी लगी हुई है इलेक्शन के लिए उसको सुपरवाइज करेगा अगर कहीं पर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है और इलेक्शन कमीशन एडवाइस कर सकता है प्रेजिडेंट को कि वेदर उस एरिया में इलेक्शन करवाए जा सकते हैं या नहीं करवाए जा सकते हैं ठीक है फर्दर पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करता है इलेक्शन के पर्पस के लिए और उनको नेशनल या स्टेट पार्टीज का जो स्टेटस होता है जैसे कुछ पार्टीज होती है, आपकी वो नेशनल पार्टी में आती है, कुछ स्टेट में आती है तो वो जो स्टेटस होता है नेशनल या स्टेट पार्टी का वो भी आपका इलेक्शन कमीशन डिटरमिन करता है ठीक है जी सो दीज आर द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन नो लेटर्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लोकसभा स्पीकर ये ऐसे टॉपिक्स हैं इलेक्शन कमीशन लोकसभा का स्पीकर एंटी डिफेक्शन लॉ इनमें से हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं पॉलिटी के अंदर तो इन टॉपिक्स को तो बहुत अच्छे से कर जाना ठीक है तो अब अगेन लोकसभा स्पीकर से रिलेटेड और करेक्ट पूछा है करेक्ट पहला स्टेटमेंट है, है, अच्छा है उसके बाद इफ ही और शी इंटेंड्स टू रिजाइन द लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू बी एड्रेस्ड टू द प्रेसिडेंट अच्छा जी कीवर्ड मार्क करते हुए ही और शी मस्ट बी द मोस्ट सीनियर लोकसभा चलो जी अब देखो ये मोस्ट सीनियर वाला तो ऐसा तो कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है तो ये डी तो है नहीं लेटर ऑफ रेजिग्नेशन ये भी प्रेसिडेंट को नहीं जाता ये लेटर ऑफ रेजिग्नेशन किसको दिया जाता है अगर स्पीकर को रिजाइन करना है तो रिजाइन किसको करता है वो आपके डेप्यूटी स्पीकर को करता है अपना जो लेटर ऑफ रेजिग्नेशन है वो डेप्यूटी स्पीकर को देता है ना कि प्रेजिडेंट को तो सी भी करेक्ट नहीं है ठीक है ऑफिस प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट पे लोकसभा के स्पीकर का नहीं है तो ये भी गलत हो जाता है अल्टीमेटली ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है किसी भी फाइनेंशियल बिल को मनी बिल का फाइनल स्टेम्प कौन लगाता है वो स्पीकर लगाता है तो बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हेयर ठीक है चलो लोकसभा के स्पीकर के इलेक्शन एंड टेन को समझ लेते हैं तो स्पीकर को डायरेक्टली कौन इलेक्ट करता है लोकसभा खुद इलेक्ट करती है अपने आप में से एक मेंबर को चूज करके स्पीकर बनाया जाता है ठीक है जब भी स्पीकर का ऑफिस वेकेंट हो जाएगा तो लोकसभा दूसरा मेंबर इलेक्ट कर लेगी वैकेंसी फिलअप करने के लिए जो इलेक्शन होता है स्पीकर का उसकी जो डेट होती है वो कौन फिक्स करता है प्रेसिडेंट ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना लोकसभा के स्पीकर के इलेक्शन की डेट कौन फिक्स करता है प्रेजिडेंट फिक्स करता है ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इसको याद रख लेना ठीक है ये क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली पूछा जा सकता है नेक्स्ट स्पीकर ऑफिस में तब तक रहेगा जब तक लोकसभा की लाइफ है जैसे फाइव इयर्स अगर नॉर्मली लोकसभा की लाइफ है तो फाइव इयर्स तक रहेगा अनटिल अनलेस तीन केसेस हो या तो वो लोकसभा की मेंबरशिप उसकी खत्म हो जाए ठीक है यानी कि उसका टेन और खत्म हो जाए अगर वो रिजाइन कर दे अपनी आ, पोस्ट से ठीक है तो अगेन रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को देगा लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास करके एक रेजोल्यूशन पास करके उस स्पीकर को रिमूव कर दे ठीक है और ऐसा रेजोल्यूशन पास करने के लिए फर्दर नॉर्म्स होते हैं और चौदह दिन का नोटिस भी आपको एडवांस नोटिस देना पड़ता है जब आप लोकसभा के स्पीकर के रिमूवल के लिए रेजोल्यूशन पास करते हो तब वो एज अ चेयर एज अ प्रेजिडेंट एज चेयरमैन और एज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा नहीं एक्ट करेगा ठीक है दो वो लोकसभा के अंदर प्रेजेंट रह सकता है वो नॉर्मल एज अ मेंबर लोकसभा के अंदर उसकी प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकता है बोल सकता है और वोट भी कर सकता है जनरली स्पीकर फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करता स्पीकर कब वोट करता है स्पीकर वोट करता है अगर टाई हो जाए ठीक है इन फेवर एंड नॉट इन फेवर में टाई हो जाए तो फिर वो स्पीकर वोट करता है एक तरह से टाई ब्रेकर वोट होता है लेकिन जब उसका रेजोल्यूशन आया हुआ है उसको रिमूव करने का और वो एज अ नॉर्मल मेंबर एक्ट कर रहा है तो वो टाई ब्रेकर का काम नहीं करेगा फिर वो जैसे नॉर्मल बाकी मेंबर्स वोट करते हैं वैसे उसका वोट रहेगा ओके वेन एवर द लोकसभा इज द स्पीकर डज नॉट ऑफिस अगर अब लोकसभा आज डिजोल्व हो गई तो ऐसा नहीं है कि स्पीकर भी खत्म हो गया स्पीकर का ऑफिस भी खत्म हो गया जब तक नई लोकसभा इलेक्ट होकर के पहली मीटिंग उसकी नहीं होती तब तक वो अपना ऑफिस वेकेट नहीं करेगा पावर एंड ड्यूटीज की बात करें तो डेकोरम मेंटेन करने का काम हाउस के अंदर किसका है स्पीकर का है ओके okay, उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर हाउस के अंदर लोकसभा के अंदर स्पीकर इज द द इंटरप्रेटर ऑफ 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 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया जो जो भी भी रूल्स एंड प्रोसीजर बिजनेस लोकसभा का कंडक्ट है जो भी पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स हैं उसका फाइनल इंटरप्रेटर हाउस के अंदर कौन है स्पीकर है हाउस को एडजर्न करने का काम सस्पेंड करने का काम किसका है स्पीकर का है अगर कोरम पूरा नहीं होता यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अगर प्रेजेंट नहीं है मिनिमम कोरम क्या है दस परसेंट का है यानी कि पार्लियामेंट लोकसभा के अंदर कोरम कितना हो गया फिफ्टी फाइव का हो गया ठीक है फिफ्टी फाइव का ओके okay. पहले इंस्टेंस में वोट नहीं करेगा वोट तब करेगा अगर इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो जाए ठीक है इन फेवर एंड नॉट इन फेवर इक्वल वोट्स हो जाए तो ये कास्टिंग वोट करता है ठीक है हाँ अगर इसके रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा है तो फिर ये नॉर्मल मेंबर की तरह वोट करेगा अगर ज्वाइंट सीटिंग हो रही है लोकसभा और राज्यसभा की तो उसको कौन प्रिसाइड करेगा? उसको आपका स्पीकर प्रिसाइड करेगा ठीक है जी उसके अलावा सीक्रेट सीटिंग अगर चाहते हैं लीडर ऑफ द हाउस चाहता है कि यार सीक्रेट सीटिंग की जाए लोकसभा की तो वो भी कौन अलाउ करेगा स्पीकर के पास पावर है कि वो उसको अलाउ या डिसअलाउ करे ओके डिसाइड करता है कि वेदर अ पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल और नॉट मनी बिल अब क्योंकि अगर राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है ठीक है अब वो लोकसभा के ऊपर है कि वो उन रिकमेंडेशन को माने या ना माने ओके okay, एंड एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर मेंबर की जो डिसक्वालिफिकेशन uh, है उसके ऊपर भी फाइनल डिसीजन किसका होता है स्पीकर का होता है लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो जो भी स्पीकर का डिसीजन होगा उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है ठीक है यानी कि जुडिशियरी देख सकती है कि स्पीकर का जो डिसीजन है वो सही है या नहीं है एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का उसके अलावा पार्लियामेंट्री कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी लोकसभा का स्पीकर करता है और लोकसभा का स्पीकर खुद से तीन बड़ी इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट की कमिटीज हैं जिनके खुद से वो चेयरमैन होते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पज कमेटी ये टाइम टू टाइम एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो स्पीकर होता है वो किस कमेटी का चेयरमैन होता है तो बिजनेस एडवाइजरी रूल कमेटी एंड जनरल कमेटी ये तीन कमिटीज हैं जिनके चेयरमैन कौन होते हैं आपके स्पीकर साहब होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन साइंस का है इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके सबसे कम चांसेस हैं कि उसको परफ्यूम बनाने के लिए यूज किया जाए एल्कोहल एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड एल अगर एनसीआरटी पढ़ी है सिक्स से टेंथ क्लास की और बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है ठीक है जनरली अगर किसी को नहीं भी गया मेरे को अगर ये ना भी आता हो ना मैंने ना भी पढ़ा हो तब भी मैं इसका आंसर ऑप्शन एल्कोहल लगाया था ठीक है बिकॉज इज नॉट फॉर फॉर द मेकिंग मेकिंग ऑफ परफ्यूम अदर थ्री आर परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन से एसिड को यूज किया जा सकता है गोल्ड ऑर्नामेंट्स की क्लीनिंग के लिए तो यहाँ पर क्या सही आंसर है आंसर है आपका ऑप्शन ए नाइट्रिक एसिड अब यहां पर मैं आपको एक और कंसेप्ट यहां पर चाहता हूँ कि आप पढ़ो एक्वा का जो एनसीआर के अंदर है एक्वारिजिया बेसिकली बेटा एक लेटिन वर्ड है विथ स्टैंड रॉयल वॉटर ये बेसिकली एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है जिसके अंदर कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है थ्री रेशियो वन में ये एक ऐसा मिक्सचर है जो गोल्ड को डिजोल्व कर सकता है ठीक है अगर अब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अकेले लो या नाइट्रिक एसिड को अकेले लो तो ये स्टैंड अलोन दे कैन नॉट डिजोल्व द गोल्ड बट जब आप इनको थ्री रेशियो वन के मिक्सचर में लोगे तो ये गोल्ड को डिजोल्व भी कर सकते हैं होता है, Asia, जो गोल्ड और प्लेटिनम को डिजोल्व कर सकते हैं इनमें से कौन से कंसेप्ट uh, के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं लगेगा इसको भी मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर अभी सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ एंड द राइट आंसर इज कैलाइडोस्कोप नेक्स्ट लार्जेस्ट फ्रेश वॉटर लेक नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर कौन सी स्टेट में है सो द हेयर इज ऑप्शन ए मणिपुर एंड दैट इज लोकटक लेक जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एंड रामसर साइट के अंदर भी ये आता है नेक्स्ट क्वेश्चन था महात्मा गांधी को कौन सी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन के अंदर ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट तो uh, गांधी सिर्फ एक ही बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं जितने भी सेशंस हुए हैं उनमें सिर्फ एक बार एंड द सेशन इज ऑप्शन बी बेलगांव सेशन 1924 कर्नाटका वाला ठीक है चलो अब इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस देखते हैं एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर ठीक है इंपॉर्टेंट जितने भी सेशन हुए हैं इनके अंदर से हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता ही है तो सबसे पहला सेशन हुआ था आईएनसी का 1885 में फाउंडेशन ईयर था जो कांग्रेस का और इसके प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू सी ठीक है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई सेकंड सेशन हुआ कैलकटा के अंदर पहला बॉम्बे के अंदर हुआ था ये भी याद रख लेना ये जो चार पॉइंट है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट है कौन क्या कब कैसे ठीक है सेकेंड सेशन कहा हुआ कैलकाटा के अंदर हुआ ठीक है और 1886 के अंदर हुआ दादा भाई नौरोजी इसके क्या बने प्रेसिडेंट बने थर्ड सेशन कहां पर हुआ मद्रास में हुआ 1887 में इंपॉर्टेंट है ये भी प्रेसिडेंट कौन बने सैयद बदरुद्दीन तैयब जी इंपॉर्टेंट क्यों था क्योंकि क्रिटिसिज्म कांग्रेस को एक झेलना पड़ रहा था कि ये जो कांग्रेस पार्टी बनी है दिस इज अ पार्टी डोमिनेटेड बाय हिंदूस तो उस क्रिटिसिज्म को और एक पैन इंडिया लुक इसको देने के रिलीजियस हारमोनी शो करने के लिए uh, सैयद बदरुद्दीन तयाग जी जो है ये पहले मुस्लिम प्रेजिडेंट इस पार्ट uh, इस सेशन के अंदर बने फोर्थ सेशन अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है अलाहाबाद के अंदर हुआ 1888 के अंदर अब यहां पर प्रेसिडेंट किसको बना दिया गया जॉर्ज जूल को हु वाज़ द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट 1896 के अंदर कैलकाटा में हुआ प्रेसिडेंट थे रहीम उत्तुल्ला सयानी इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पर जो वंदे मातरम सॉन्ग है रविंद्रनाथ टैगोर का जिसको नेशनल सॉन्ग बोला जाता है तो नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम जो है उसको गाया गया था पहली बार कांग्रेस के सेशन में एटीन नाइनटी में 1899 में लखनऊ में सेशन हुआ प्रेसिडेंट थे रोमेश चंद्र दत्त आरसी दत्त जो आपके इकोनॉमिस्ट हैं ठीक है एंड यहां पर एक परमानेंट लैंड रेवेन्यू के फिक्सेशन की डिमांड जो है कांग्रेस ने रखी 1901 के अंदर सेशन हुआ कलकत्ता में प्रेसिडेंट थे दिनशो ई वॉशा और इस टाइम पर गांधी जी पहली बार कांग्रेस कांग्रेस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपीयर हुए थे 1905 में बनारस में सेशन हुआ वेरी इंपॉर्टेंट गोपाल कृष्ण गोखले इसके प्रेसिडेंट थे और स्वदेशी मूवमेंट का फॉर्मल प्रोक्लेमेशन जो है इसके अंदर किया गया था नाइनटीन में दादा भाई नरवजी जो है कैलकटा के अंदर प्रेजिडेंट बने और स्वराज बेसिकली uh, चार रेजोल्यूशन uh, के अंदर अडॉप्ट किए गए स्वराज दैट इज सेल्फ गवर्नमेंट मूवमेंट और स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन 1907 के अंदर सूरत में uh, आपका सेशन हुआ प्रेसिडेंट थे राजबिहारी घोष कांग्रेस के अंदर स्प्लिट हो गया मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट में एंड सेशन को फिर एडजॉन करना पड़ा क्योंकि एक वॉयलेंट कंडीशन uh, जो है वो बन गई थी 1910 के अंदर अलाहाबाद में सेशन हुआ सर विलियम विडरबर्न इसके प्रेसिडेंट बने और मोहम्मद अली जिन्ना उस समय पे उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का काफी विद्रोह किया वो मोहम्मद अली जिन्ना इन स्टार्टिंग वाज वेरी मच अगेंस्ट दिस सेपरेट इलेक्टोरेट एंड ऑल ठीक है वो बाद में उनका जो रवैया है वो बदलता गया बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन बट शुरू में ही वॉज यू नो इन फेवर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड सेपरेट इलेक्टोरेट वगैरह को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज उन्होंने किया था जब 1909 uh, 1910 के सेशन में 1911 में कलकत्ता में सेशन हुआ बीएन धार के अंदर और पहली बार जनगन मन को कांग्रेस सेशन के अंदर रिसाइट किया गया गाया गया 1915 में बॉम्बे में सेशन हुआ एसपी सिन्हा के अंदर एंड uh, जो कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अल्टर किया गया ताकि जो एक्सट्रीमिस्ट थे जो स्प्लिट हो गया था 1907 में उन एक्सट्रीमिस्ट को दोबारा से कांग्रेस के फोल्ड में लेकर के आया जा सके 1916 बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है लखनऊ में हुआ था इसी मजुमदार के अंदर यहाँ पर जो मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको दोबारा से यूनाइट कर दिया गया और लखनऊ पैक्ट साइन किया गया कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में इस लखनऊ पैक्ट के अकॉर्डिंग कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड जो है वो एक्सेप्ट कर ली दिस सेशन इज नोन एज द फाउंडेशन ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया ओके 1917 में कैलकटा में सेशन हुआ एनी एनी बेसेंट बेसेंट प्रेसिडेंट बनी कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट थी अब इसके अंदर ना दो चीजों में कंफ्यूजन होती है एक पहली महिला प्रेसिडेंट और एक होता है पहली हिंदुस्तानी महिला प्रेसिडेंट पहली महिला प्रेसिडेंट तो एनी बेसेंट होगी और पहली हिंदुस्तानी महिला बेसेंट अभी मैं दिखाऊंगा सरोजनी नायडू है 1918 में एक स्पेशल सेशन रखा गया बॉम्बे के अंदर प्रेसिडेंट थे सैयद हसन इमाम और मॉन्टे क्लेम्स रिफॉर्म्स को बेसिकली क्रिटिसाइज करने के लिए ये सेशन रखा गया था 1919 में अमृतसर में मोतीलाल नेहरू के अंदर सेशन रखा गया और कांग्रेस ने अपना सपोर्ट जो है खिलाफत मूवमेंट को एक्सटेंड किया नाइनटीन में दो सेशन हुए सबसे पहले स्पेशल सेशन हुआ कैलकटा के अंदर लाला लाजपत राय जी के अंदर जहां पर महात्मा गांधी ने अपना नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन को मूव किया 1920 में फिर नागपुर के अंदर सी विजय राघवाचार्य के अंदर सेशन हुआ और इसके अंदर एक तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको अब एक्सेप्ट कर लिया गया साथ ही साथ जो वर्किंग कमिटीज़ थी कांग्रेस की ऑन अगेन सजेशन ऑफ महात्मा गांधी उनको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया लिंग्विस्टिक बेसिस पे लैंग्वेज बेसिस के ऊपर जो रीजनल प्रोविजनल वर्किंग कमिटीज़ थी कांग्रेस की उनको रीअरेंज किया गया और 1920 में मोहम्मद अली जिन्ना ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का साथ छोड़ दिया 1922 में गया में सेशन हुआ प्रेसिडेंट बने सी आर दास और सी आर दास और और लीडर्स उनके साथ जैसे कि मोतीलाल नेहरू उन्होंने आईएनसी से अपना दामन छुड़ा लिया और एक नई पार्टी बनाई स्वराज पार्टी 1924 में बेलगांव में सेशन हुआ एम के गांधी प्रेसिडेंट बने और इकलौता ऐसा सेशन है विच हैजिन प्रेजाइडेड बाय महात्मा गांधी उन्नीस में कानपुर सेशन हुआ सरोजनी नायडू प्रेजिडेंट बने और पहली हिंदुस्तानी महिला प्रेजिडेंट बनी 1927 में मद्रास में सेशन हुआ प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एम ए अंसारी एंड रेजोल्यूशन वॉज पास्ट कि भाई जो हिंदुस्तानी फौजें फौजी हैं उनको आप चाइना ईरान और मेसोपोटामिया के अगेंस्ट यूज नहीं करेंगे साइमन कमीशन का बॉयकॉट और पूर्ण स्वराज के रेजोल्यूशन की डिस्कशन को अडॉप्ट किया गया 1928 में में सेशन हुआ मोतीलाल नेहरू के अंदर ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस को फॉर्म किया गया 1929 में में लाहौर सेशन हुआ जवाहरलाल नेहरू के अंदर रेजोल्यूशन जो अडॉप्ट हुआ था 1927 में उसको पास कर दिया गया पूर्ण स्वराज को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया और 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के फॉर्म में सेलिब्रेट किया गया ध्वजारोहण भी किया गया था रावी नदी के किनारे पर 1930 में कराची में सेशन हुआ वल्लभ भाई पटेल के अंदर

कांग्रेस के अंदर सोशलिस्ट आइडियाज को पुश करने में जवाहरलाल नेहरू एक हद तक कामयाब यहां पर हुए 1937 में फैजपुर में अगेन जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बने और ये पहला सेशन था जो गांव में हुआ था कांग्रेस का 1938 हरिपुरा प्रेसिडेंट बने सुभाष चंद्र बोस और इन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी का सेटअप किया जवाहरलाल नेहरू के अंडर 1939 में प्रेसिडेंट बने राजेंद्र प्रसाद सुभाष चंद्र बोस को वैसे रीइलेक्ट किया गया था इस सेशन के लिए भी लेकिन महात्मा गांधी के साथ डिफरेंसेस चलते हुए इनको रिजाइन करना पड़ा एंड इस उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट किया गया एंड उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपना खुद का फॉरवर्ड ब्लॉक जो है उसको बनाया 1940 में रामगढ़ में सेशन हुआ प्रेसिडेंट थे अबुल कलाम आजाद इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर और यहां पर यह डिसाइड किया गया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा लॉन्च किया जाएगा लेकिन सही समय देख करके 1941 से 45 तक कांग्रेस का कोई सेशन नहीं हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था कांग्रेस के काफ़ी सारे लीडर्स जेल में थे उसके अलावा रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी आई एन ए ट्रायल्स तो इन सब के चलते हुए क्रिप्स मिशन वेवल प्लान कैबिनेट मिशन ये सारी चीज़ें चल रही थी तो बिकॉज ऑफ दीज इवेंट्स कोई भी कांग्रेस सेशन नाइनटीन से फोर्टी तक नहीं रखा गया 1946 में सेशन हुआ मेरठ में प्रेसिडेंट थे जेबी बी कृपालनी और ये लास्ट सेशन था 1946 में आज़ादी से पहले का और जेबी कृपालनी बेसिकली आप कह सकते हो कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उस समय पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे जेबी कृपालनी थे ठीक है जी तो ये आपके इंडिपेंडेंस तक के इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस हो गए मल्टीपल क्वेश्चंस इनमें से पूछे जा सकते हैं पेपर के अंदर मैंने फटाफट कराया इसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करके आप आराम से भी रीड कर सकते हो ठीक है जी चलिए तो यहाँ पर इस लेक्चर को खत्म करेंगे एंड मुझे लगता है आपको मजा आया होगा फिर भी कोई डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो व्हाट्सएप कर सकते हो मेल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का टेलीग्राम पे बात कर सकते हो मल्टीपल सोर्सेज हैं फ्रॉम वेयर यू कैन टॉक टू मी ओके तो कनेक्ट करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें शेयर करें दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय